अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीन। आज हम बनाए जा रहे हैं खोया गुलाब जामुन। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। 200 ग्राम खोया लिया है, 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1 कप बड़ी चीनी लिया है, 1 गिलास पानी और 4 छोटी बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची। पहले हम चाशनी बना लेंगे। चीनी डाल दिया, पानी डालेंगे 1 गिलास और इसी में हम 1 छोटी इलायची डाल देंगे और चीनी को एक अलग से साइड में होने देंगे स्लो पर। खोया ले लेंगे हम, खोए को ऐसे स्प्रेड करेंगे, इसमें मैदा डाल देंगे बीच में, इलायची डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे से। मसक लेना है इसको, मैदा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए एक दूसरे से, अच्छा मसकते जाएंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध मैंने थोड़ा सा ले लिया है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे इसको, दूध डाल के थोड़ा सा दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे मसकना है आपको अच्छे से ताकि हमारे गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बने। अच्छे से मसक लेंगे, सारा एक दूसरे से मिक्स हो जाना चाहिए। थोड़ा और ये अच्छे से मसक लिया, अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। ऐसे ये इस तरह से छोटा सा गोला लेना है, इसको हम ऐसे गोल गोल करेंगे। इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, हमारा गुलाब जामुन जो है टूट जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे गोले बनाना है। ये देखिए मैंने सारे गोले तैयार कर लिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे घी में। आपको तेल में तलना है तो आप तेल में भी तल सकते हो। मैं घी गर्म होने रख दिया है। घी को जैसे घी थोड़ा गर्म हो जाएगा मैं स्लो कर दूंगी और फिर हम इसमें गोले डाल देंगे और स्लो पे ही पकाएंगे। तो देखिए एक एक करके हम सारे गोले इसमें डाल देंगे। घी मैंने सारे हमने गोले डाल दिया है, अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे, स्लो पर ही पकाएंगे हम ताकि गुलाब जामुन हमारे अच्छे से पक जाए। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे बंद कर दूंगी और एक अलग साइड पे रख दूंगी। नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे, सारे पलट लेंगे इसी तरह। गोल्डन ब्राउन हो गए मेरे गुलाब जामुन, अब हम इसे छान लेंगे और सारा चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी थी, अब मैं सारे हमारे गुलाब जामुन इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और 2-3 घंटे बाद इसे सर्व करेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है।